मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नई सरकारों द्वारा किसानों की कर्ज माफी का असर देश में बीजेपी शासित सरकारों पर भी दिखने लगा है। अब बीजेपी शासित राज्य भी किसानों के हक में कर्ज माफी और बिल माफी की घोषणाएं कर रहे हैं। गुजरात की बीजेपी सरकार ने किसानों के 650 करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ कर दिया है, तो असम में भी किसानों के लिए कर्ज माफी की घोषणा की गई है। हालांकि यहाँ पर किसानों को अधिकतम 25,000 रुपए तक की कर्ज माफी मिलेगी। इसे लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात असम के मुख्यमंत्रियों को जगाने में हम कामयाब रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी अभी भी सो रहे हैं। बीजेपी शासित राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का बड़ा दांव खेला था, जो बिल्कुल सही लगा और किसानों के समर्थन से कांग्रेस तीनों ही राज्यों की सत्ता में आ गई। सत्ता संभालने के साथ ही कांग्रेस सरकार ने अपना वादा निभाना भी शुरू कर दिया। पहले मध्य प्रदेश और फिर छत्तीसगढ़ में किसानों की कर्ज माफी का ऐलान किया गया। जल्द ही राजस्थान में भी इस तरह की घोषणा होने की संभावना है। इस ऐलान के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा था कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हमारी नई सरकारों को किसानों का कर्ज माफ करने में 6 घंटे का वक्त भी नहीं लगा, लेकिन मोदी जी के पास 4.5 साल थे, उन्होंने देश के किसानों का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। जब तक देश के हर किसान का कर्ज माफ नहीं होता, हम मोदी जी को सोने नहीं देंगे। पूरा विपक्ष मिलकर उनसे किसानों का कर्ज माफ करवा कर रहेगा। अगर मोदी जी ने किसानों का कर्ज माफ नहीं किया तो हम 2019 में सत्ता में आए तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। राहुल के ऐलान के कुछ देर बाद ही बीजेपी शासित राज्य हरकत में आ गए। पहले बीजेपी शासित राज्य गुजरात सरकार ने 6,22,000 बकायेदारों का 625 करोड़ का बिजली बिल माफ किया। उसके कुछ ही देर बाद असम सरकार ने 8 लाख किसानों का 600 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया। गुजरात और असम सरकार के इस कदम के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हम गुजरात और असम के मुख्यमंत्रियों को गहरी नींद से जगाने में कामयाब रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अभी भी सो रहे हैं, अब उन्हें भी जगाएंगे। डीबी लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहां हैं खबरें लगातार।